अभी मैंने ये एक येलो ड्रेस बनवाया था तकरीबन 2 माह पहले, और ये भी जो है अब ईद पे यूज होगा क्योंकि ईद पे गेस्ट वगैरह आते हैं, और मेरी छोटी सिस्टर यानी कि जारा ने। अभी मेरा जो है इसमें कढ़ाई है, कलर आ रहे हैं वो है गोल्डन एंड ब्लैक, और इसमें गोल्डन एंड ब्लैक ही मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा सा स्टिच हुआ है, बहुत हसीन है। तो हैंडबैग भी तो ज़रूरी होता है ना, क्योंकि मेरे पास मोबाइल्स होते हैं, 2 मोबाइल होते हैं। अच्छा, ये वाला ड्रेस भी मैंने सिफायर का ही लिया हुआ है, और इसको भी मैंने बहुत ही प्यारा करके स्टिच, स्टाइलो वाला जूता इसके साथ बिल्कुल मैच हो गया है। और इसी के साथ मैंने और भी चीज़ें संभाल के रखी थी, ये देखें इसकी बैंगल्स भी मैंने संभाल के रखी थी, ये भी इसके साथ मैच हो चुकी है। ये रिंग है ये भी मैंने संभाल के रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, जहाँ पे रहे खुश रहे, आबाद रहे और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, वो कर ले चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऑल वीडियो को लाइक शेयर अच्छे अच्छे कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अच्छा गाइज, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपनी ईद की शॉपिंग, जो कि मैंने ईद की शॉपिंग की थी। पहले ये हुआ करता था बचपन में, हम अपनी शॉपिंग नहीं दिखाते थे, बट अब ऐसा दौर आ गया और सोशल मीडिया का आ गया है, और मतलब अपने बहन भाइयों को अपनी चीज़ें दिखाना बहुत अच्छा लगता है। जो भी लें, जो भी हो, जैसा भी हो, हम सोचते हैं कि हमेशा आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर की जाए। तो मैंने ईद की शॉपिंग की थी, काफ़ी टाइम पहले से मेरी शॉपिंग चल रही थी। मतलब मैं ड्रेसेस वगैरह लेती हूँ ना, तो मेरा दिल नहीं करता वेयर वगैरह करूँ, तो वो कुछ पड़े हुए थे और मैंने नहीं, ज़्यादा मैंने नहीं लिए, 1-2 सूट ही मैंने लिए हैं। बाकी मेरे ड्रेसेस जो मैंने स्टिच करवा के रखे हुए थे, अब मैं वही वेयर करूँगी क्योंकि ईद भी आ रही है, और लाजमी तो नहीं कि हम ज़्यादा खर्चा करें। और हमेशा मेरा ऐसा होता है कि मैं अपनी हर चीज़ संभाल के रखती हूँ, इसलिए वही चीज़ें मेरी दोबारा यूज़ हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी, फिर आपने मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहना है, वीडियो को शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मैंने ये एक येलो ड्रेस बनवाया था तकरीबन 2 माह पहले, और बनवाया इस लिहाज से था कि मैं वेयर करूँगी, बस मेरा दिल ही नहीं किया, स्टिच करवा के रखा हुआ था। तो इंशाल्लाह अब मैं ये जो है ना ईद पे ही वेयर कर लूँगी, क्योंकि अब ईद आ गई है और गर्मियाँ भी स्टार्ट है, एक एक बार ईद पे पहना जाएगा, उसके बाद हमारे घर में ये यूज़ हो जाएगा। और उसके साथ ये है दुपट्टा, और इसकी शलवार जो है ना सिंपल है। आजकल ये ड्रेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि शर्ट और शलवार सेम होती है, सेम प्रिंट में, और दुपट्टा डिफरेंट होता है। तो ये था मेरा एक येलो कलर का ड्रेस। और अब से पहले हम लाहौर गए थे, और लाहौर में मैंने जो शॉपिंग की थी, आप लोगों में से अगर कोई मुझे पुराने देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने ना वहाँ से ये हैंडबैग लिया था। हैंडबैग तो मैंने लिया था, बट अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो अभी ये देखें आप कितनी अच्छी इसकी मैचिंग हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके साथ ही मैच करके लिया था। तो हम इसको ना ईद पे पहनेंगे, आप लोगों ने बताना है आपको मेरा ये मेरा आप लोगों को कैसा लगा, और आपको सबसे ज़्यादा ड्रेस कौन कौन सा अच्छा लगा है आपने मुझे कमेंट में बताना है। ये हो गया हमारा एक ड्रेस, और साथ में इसके हैंडबैग, और जूता भी मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं इसके साथ कौन सा पहनूंगी, या कोई भी पहन लूंगी वो चलेगा। ठीक है, इसको हम साइड पे कर देंगे। और इयररिंग इसके साथ मैंने ये वाले मैच किए हैं क्योंकि ये येलो कलर में है, तो ये मैंने पहने थे एहतिशाम भाई की मेहंदी पे, वो बिल्कुल इसके साथ मैच हो गए हैं, तो हम ये इसके साथ वेयर कर लेंगे। मैं आप लोगों को पूरा पूरा सेट बना के दिखा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ये एक ड्रेस मैंने लिया था, सीरियस बात बताऊँ ये भी मैंने घर वेयर करने के लिए ही लिया था, और ये भी जो है अब ईद पे यूज़ होगा क्योंकि ईद पे गेस्ट वगैरह आते हैं और गर्मी होती है, बार बार चेंज करना है। अब मेरे जो लिए हुए पड़े थे ना, मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया इस चीज़ का कि मैं ईद पे 3 दिन सूट चेंज कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं पहने, तो ये तो मेरा सब्र है। और इसके साथ मैंने मैचिंग में ये दुपट्टा किया था, और ये इसकी सिंपल ही शलवार है। और इसके साथ हैंडबैग तो मेरा फ़िलहाल अभी मेरा कोई इरादा नहीं बना कि मैं कौन सा पहनूंगी, हैंडबैग्स का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और इसके साथ ज्वेलरी में मैं ये वाला पहनूंगी, ज़रा क्लोज आके दिखाएं, ये देखें इसमें ये इसके अंदर अभी चैन लगने वाली है, ये भी मेरा पुराना ही पड़ा होता है, मैं यही मैच किया है और यही पहनूंगी इसके साथ। मैं फजूल खर्ची इस बार कोई भी नहीं किया, अब मैं समझदार हो गई हूँ कि मैं फजूल खर्ची को थोड़ा सा इग्नोर करूँगी। ठीक है, और उसके बाद
ये ड्रेस हमने बनवाया सेम लाइक मैंने और मेरी छोटी सिस्टर यानी कि जारा ने। अभी मेरा जो है इसमें कढ़ाई है, उसका ये चीज में ना सिंपल है। और पहले मेरा ये इरादा था कि फर्स्ट डे ईद के मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी, अब मेरा ऐसा इरादा नहीं है क्योंकि 19 को मेरी बर्थडे भी है। तो वैसे भी ईद पे तो हमने घर ही रहना है, कहीं जाना तो नहीं होता, इतना ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कुर्बानी भी होती है। तो इसलिए आज से मैंने ये फर्स्ट और सेकंड डे नहीं पहनना, थर्ड डे पहनूंगी। और थर्ड डे ही मेरी बर्थडे भी है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगी और साथ में मेरा ड्रेस भी वेयर हो जाएगा। तो क्या मेरा आइडिया ठीक है, मैंने सही किया या गलत किया, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में बताना है। और इसके साथ जो मैंने मैचिंग किया है उसमें है जी ये वाला हैंडबैग जो कि मैंने अभी न्यू परचेज की है, क्योंकि आई लव हैंडबैग्स और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखें आप इसकी एक लीजिए, आप इसको इस तरह भी वेयर कर सकते हैं और आप इसको डबल करके शॉर्ट में भी वेयर कर सकते हैं। ये वाला हैंडबैग इसके साथ है और इसके साथ मैचिंग में मैंने ये वाला जो जूता है, आप लोगों को पता है मैंने पिछली पे भी आप लोगों को दिखाया था जो कि मैंने पहनना था, ये भी बेचारा अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना। तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस बार इस ईद पे इसका नंबर लेकर आएंगे और इसको हम पहनेंगे और पहन के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ में ये देखिए ज्वेलरी, ये भी बिल्कुल इसके साथ मैच हो गई है। अब यहाँ पर रख के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे ड्रेस में जो कलर आ रहे हैं वो है गोल्डन एंड ब्लैक, और इसमें गोल्डन एंड ब्लैक ही है तो हम इसको इसी के साथ वेयर करेंगे। और इसके साथ बिंदिया भी है, बट मुझे बिंदिया की वो ज़रूरत तो नहीं है। और साथ में ये एक अदद माला भी है ब्लैक कलर की, अगर दिल किया तो मैं इसको भी साथ में पहन लूँगी। ये हो गया हमारा क्लियर, अब हम इसको भी साइड पर कर देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे हमने कौन सा दिखा दिया और कौन सा नहीं। अच्छा, उसके बाद ये ड्रेस लिया था मैंने सिफायर से और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा सा स्टिच हुआ है, बहुत हसीन। ये लेसिस वगैरह देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ऊपर से डिज़ाइन सिंपल, मतलब मैं इस तरह की ये पहनती हूँ। और इसके साथ अंदर इसकी शलवार भी है और दुपट्टा भी जो है ना अंदर ही है। जैसे फिर मैं इस पर पहना करूँगी ना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। ये लाइट पर्पल कलर आ रहा है, सॉफ्ट कलर है, मतलब कि गर्मियों के लिहाज से ना बहुत प्यारा है। आप लोगों ने बताना है आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्यारा लगा है और मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा लगा है। और इसके साथ मैंने ये वाला हैंडबैग लिया है क्योंकि जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही थी कि हैंडबैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं, तो हैंडबैग भी तो ज़रूरी होता है ना, क्योंकि मेरे पास मोबाइल्स होते हैं, दो मोबाइल होते हैं तो, और वैसे भी कार्ड वगैरह होता है, कैश होता है, तो फिर उसके लिहाज से ना हमें हैंडबैग की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। और इसके अलावा इसके साथ मैं ये भी वेयर कर सकती हूँ जूते में, ये भी मैंने अभी ली थी तो मेरे ख्याल में मैं यही पहन लूँगी। वैसे स्किन नहीं इसमें कलर है, इसमें भी लाइट स्किन कलर है तो मैं इसको इसके साथ वेयर कर लूँगी। और इयररिंग की बात की जाए तो इयररिंग भी मैंने इसके साथ निकाल ली है, क्योंकि आज मैंने सारे ड्रेसेस वगैरह ना प्रेस करके रखने हैं, ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं, एक हफ़्ता रह गया, तो एक हफ़्ते में बंदा और क्या क्या काम करे। और आज संडे था, ऑफ था, तो मैंने सोचा आज ये सारा काम जो है ना कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट संडे तो फिर एक ही दिन रह जाएगा, फिर उसमें और सारे बहुत सारे काम करने हैं, हेयर कलर करना है, स्किन केयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने उसको जो है ना आज ही किया। अच्छा, ये वाला ड्रेस भी मैंने सिफायर का ही लिया हुआ है और इसको भी मैंने बहुत ही प्यारा करके स्टिच करवाया था। इस बार मेरे साथ हुआ ये कि मेरे पास ब्लैक ब्लैक ड्रेस, क्योंकि पहले के भी पड़े हुए थे और अभी भी लिए, तो ब्लैक ब्लैक तकरीबन 3 से 4 हो गए थे, तो ज़ारा ने जो किया वो मेरा ड्रेस उठा लिया एक ब्लैक, कहती कि ये वाला ड्रेस मैंने पहना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पॉकेट स्टाइल में था तो उसको अच्छा लगा, तो फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो ड्रेस उसको दे दिया और उसके बदले में उससे ड्रेस मैंने ले लिया। ये तो नहीं है, वो मैं दिखाती हूँ आगे चल के। और ये वाला पैच जो है ये मैंने खुद लेके इसको लगवाया था, और इसके अलावा इसको मैंने दुपट्टे पे भी लगवाया है इस तरह से कि थोड़ा हैवी बॉर्डर बन जाएगा और अच्छा लगेगा। साइड्स पे मैंने इस तरह की लेसेस लगवाई हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब ये भी हमारा ब्लैक हो गया, अब आपने मुझे बताना है मेरे कितने ब्लैक ड्रेस हो गए हैं, ठीक है। अब इसको भी हम साइड पर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ज़ारा ने मेरे साथ एक्सचेंज किया है वो ये है, ये भी सिफायर का ही है, हमने इकट्ठे लिए थे, उसने ले लिया बट उसको ये इस तरह से है, ठीक है। मैं एक मिनट इसका ना पोस्टर निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सिफायर का ये वाला ड्रेस है, तो तब ये सीन हुआ था, तब उसको वो जो है ना
ये पसंद था, अब उसको स्टिच मैंने अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं थोड़ा डिजाइनिंग करवाना और मेरा कुछ इस तरह का माइंड है, मैं बड़े नफीस उसको ड्रेस को ना स्टिच करवा दी ताकि पहनने का मजा आए। और ये भी मैंने इसको इतना अच्छा ड्रेस स्टिच करवा के दिया था, बट इसको नहीं पसंद आया। ये कहती कि मुझे ये कलर ही नहीं अच्छा लग रहा। तो मैंने सोचा चलो जिसको अच्छा नहीं लग रहा, जो इसको अच्छा नहीं लग रहा शायद मेरे पे अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से स्टिच किया हुआ है, अभी ये प्रेसिंग नहीं किया हुआ है। ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी शलवार है, शलवार सिंपल ही है। तो इसको अभी हम प्रेस वगैरह करेंगे। इसके साथ अगर जूते की बात की जाए तो मेरा स्टाइलो वाला जूता इसके साथ बिल्कुल मैच हो गया है। और इसी के साथ मैंने और भी चीज़ें संभाल के रखी थी, ये देखें इसकी बैंगल्स भी मैंने संभाल के रखी थी, ये भी इसके साथ मैच हो चुकी है। ये रिंग है ये भी मैंने संभाल के रखी थी, ये भी इसके साथ मैच हो गई है। इवन के ये देखें नेकलेस, ये भी इसके साथ मैच हो गया है। और ये देखें एयर रिंग्स भी इसके साथ मैच हो गए हैं। तो ये कितनी अच्छी ज़बरदस्ती मैचिंग हो गई। अच्छा चूड़ियों की बात की जा रहा है, चूड़ियाँ तो हमने चूड़ियाँ भी ली थी पर इतने ज़्यादा नहीं ली थी अभी, क्योंकि मेरे पास स्टैंड में बहुत ज़्यादा है तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। जब वो सारी टूटेंगी वेस्ट होंगी उसके बाद। ये वाली चूड़ियाँ हैं जो कि मैंने मम्मा के लिए ली थी, और भी दिखाती हूँ। अभी एक एक सेट ही मैं ले आई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे एक रुपया भी वेस्ट हो। इतनी मेहनत से कमाए जाते हैं और पैसे उसको वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये भी चूड़ियाँ ये भी हैं, हम मिलजुल के पहन लेंगे। इसके अलावा स्टैंड में बहुत सारी हैं, वो हमारी मैचिंग हो ही जाती हैं। बाकी सारों की शॉपिंग में इंशाल्लाह आपको फिर थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँगी, क्योंकि अभी कोई भी एग्री नहीं हो रहा हमारी शॉपिंग दिखाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं अपने दिखा देती हूँ कि मैंने अपने बहन भाइयों से क्या छुपाना है। तो बहन भाइयों आपको हमारी आज की शॉपिंग कैसी लगी और कौन सा ड्रेस जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्या मैंने फजूल खर्ची की है नहीं की आपने कमेंट में बताना है। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।